लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अज्ञात कारणों से लगी आग धुंधु कर जली रिहायशी झोपड़ी, दो जोड़ी बैलों के साथ मवेशी जले, लाखों का सामान हुआ राख। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल थाना क्षेत्र अंतर्गत जहदा में आधी रात को अचानक मवेशियों के तबेले में लगी आग देखते ही देखते पूरे मकान और घर को अपनी चपेट में ले लिया और रिहायशी झोपड़ी सहित पशुओं के चारे और घर के अंदर के सामान जलकर राख हो गए। तो वहीं आग की चपेट में दो जोड़ी बैल व दो मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। लोगों का कहना है कि आग इतना भयावह था कि लोग भयभीत हो गए थे। मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया तथा फायर ब्रिगेड सिसवां स्टेशन पर भी लोग गए, पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों की सहयोग से तालाब और बोरिंग के माध्यम से घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। गृह स्वामी तीर्थराज ने बताया कि करीब 3 लाख के रुपए की क्षति आग लगने से हुआ है। तो वहीं घर की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल एक मवेशी की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? तीर्थराज प्रसाद। ये आग कैसे लगी है? ये आग लगी है, अब समझ ना आवता कि कैसे एक बैग भर गई। कौड़ा कैले रहनी, कौड़ा बरही वाला नहीं रहल, अब यह हम ना समझ पौली एक बैग भरल चौगा निकाल ना पौली। ऑटोमेटिक चौगा अपने से जरल बना या भागल बना। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अरे दो बैल जरे हैं, एक भाई जरी है, बच्चा उसका जरा है, दुकावला और दो चार आइटम है, मशीन है, जरा है। लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? अरे हमारा नुकसान तो हो गया लमसम, इतनी भी जोरत है, 2.5 लाख रुपया नुकसान हुआ है। और कुछ आया? और कुछ तो मैंने जो है तो है, जो जल गया तो वही सामने लौकता है। कोई यहाँ पर शासन प्रशासन आए थे देखने के लिए? प्रशासन आए थे, वो प्रशासन आए लल प्रशासन वही आए थे आग बुताने के लिए। वो सब पहुँचे, आए आग बुताए का वो छिड़काव करके चले गए। हमने हमने डीजल मंगाए रात को वसूली से, मशीन में डाले, पंप सेट को एयर निकाले, उसके बाद उसको मशीन चालू किया तो हमने बुताए उसको। नाम है आपका? श्रवण कुमार। आग कब लगी है? आग लगा 10:45 बजे। फायर ब्रिगेड कब आया? फायर ब्रिगेड को फोन करते तो कोई नहीं पकड़ा। 10:76 पर फोन किए तो 101 बताए, उस पर कॉल करिए। 112 पर फोन किए, वो भी नहीं वहाँ से बात हुआ। 102 पर फोन किए, उस पर नहीं बात हुआ। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले के पास हम गए, वहाँ जगाते जगाते लगता था कोई मर गया, जगते नहीं था। उसके बाद उसके कहने के बाद आए तो डांट रहा था हमको, भाग जाओ यहाँ से, ऐसे करो। उसका सब रिकॉर्डिंग रखे हैं। और क्या कह रहा था? कुछ कह रहा उसके था? बाद आया था, उसके पास 200 लीटर की टंकी थी और आग नहीं बुझा था। उसके बाद वो चला गया, बोला कि ठीक है इसको कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डीजल लाए वसूली से, उसको इंजन का डाल के उसको चालू करके फिर बुझाए। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल से उमेश भारती, शत्रुघ्न श्रीवास्तव की रिपोर्ट।